एक पैनेडेमिक सिचुएशन में प्रधानमंत्री बोल रहे हैं घर पे रह लो, मास्क पहन लो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लो, और वहीं एक आदमी बोलता है एग्जाम दे दो। कैसे एग्जाम दे दू, फटी हुई है, घर से निकलना बंद हो गया और तुम चाहते हो मैं एग्जाम दे दू। जब ये पेंडेमिक सिचुएशन एकदम कम बेस पे था, 1,000 निकल रहे थे, 500 निकल रहे थे, तब याद नहीं है कि एग्जाम लेना है। अब जब 25,000 डेली के निकल रहे हैं आदमी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तब तुम्हें एग्जाम लेना। ऐसा कैसा तुम्हारा एग्जाम है भैया, लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट आज के डेट में एग्जाम हो गया? भैया किसी महान व्यक्ति ने कहा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? आज के डेट में क्योर सब खोज रहे हैं, प्रिवेंशन तो है ही नहीं है, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हम लोग एग्जाम दे दें। घंटा मैं आज के डेट में, आज तारीख हो गया 10 तारीख, 12 बज गए हैं तो 10 तारीख हो गया, मैं आज ये लिखित में देता हूं मैं एग्जाम नहीं दूंगा। तुमको जो कबाड़ना है कबाड़ लो, वो सितंबर के एंड में हो या फिर सितंबर के स्टार्टिंग में हो, मैं नहीं देने वाला। तुम्हें 31 तारीख को मेरा रिजल्ट देना है, दो डिग्री देना है, दो, नहीं देगा तो भी मैं काम कर लूंगा, देगा तो भी मैं काम कर लूंगा, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो करना है कर लो। यूजीसी की मां की आंख, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और जिसे ये उम्मीद है ना कि मैं अपने बात से मुकर जाऊंगा, नहीं भैया, मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, मुझे अपने हाथ से प्यार है और मेरी जिंदगी से भी बहुत प्यार है। मैं घर से नहीं निकलने वाला, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। साला घर से नहीं निकला 3 महीना, मेरे चर्बी और बढ़ गए, और तुम उम्मीद कर रहे हो मैं एग्जाम देने जाऊंगा? पागल हूं क्या साला, सटिया गया बुढ़ाऊ, कोई बताओ यार। और तुम्हारे पास ऐसी कौन खबर आई कि सितंबर में सब कुछ खत्म हो जाएगा? तुमने जेई के भी डेट निकाल दिए, नीट के भी डेट निकाल दिए, हमारे एग्जाम के भी डेट निकाल दिए। इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, तुम ये बताओ कि हमारी इकोनॉमी कब सुधरेगी? चाट रहे हैं हमारे कि फाइनल ईयर एग्जाम दे दो, फाइनल ईयर एग्जाम दे दो, चप निकल यहां से, साला काम धाम है नहीं, और हमारी पे पीछे पड़े हुए हैं, भोके हुए हैं कि फाइनल ईयर का एग्जाम होगा नहीं होगा, फाइनल ईयर का एग्जाम होगा नहीं होगा। एक बार फैसला कर लो क्या करवाना है, देना है कि नहीं देना है। फाइनल ईयर ऑनलाइन क्लासेस ले दे रहा था, ग्रैंड वाइवा हुआ है, असाइनमेंट सबमिट करा है, फाइनल ईयर कौन सा असाइनमेंट मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मिला, मैंने किया, मैंने दिया, ठीक है। कोई बोलता है फाइल लिखवा रहा है, भैया घर में हूं, पेंडेमिक सिचुएशन समझते हो, लेकिन उसमें भी काम करवा रहे हो। घर में थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल लूं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। 8 घंटा का सोना जो 12 घंटा में बदल जाता है, 6 घंटा का जो टीवी देखना वो 8 घंटा बदल जाता है, कुल मिला के 20 घंटा। अब 4 घंटे हमारे लिए समय मिलता है तो तुम बोलते हो कि जाओ ये कर लो वो कर लो, तो भैया घर वालों को कब जाने, मर जाएंगे तब जान लेंगे उन्हें, घुसा लो। मैं नहीं दे रहा एग्जाम, तुम्हें जो कबाड़ना है कबाड़ लो, मैं चला, ठीक है। जयराम जी की, मुझसे ना हो पाएगा ये एग्जाम, ठीक है। 7 सेमेस्टर एग्जाम दिया ना, क्या कबाड़ लिया मैंने, कुछ नहीं, 1 घंटा जॉब नहीं मिला, सेल्समैन की जॉब करूं ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होके मैं सेल्समैन की जॉब करूं, इतना फुद्दू हो गया हूं। उसके बाद तुम चाहते हो आईटी कंपनी में बैठू, कोर ब्रांच लेके मेरा फायदा ही क्या हुआ, कोई अच्छी सस्ती कॉलेज में चल जाता हूं, वहां पर अगर ढंग की नौकरी मिल रही थी होती है इलेक्ट्रिकल की, मैं वहां जॉब कर लेता। ITCS में घुसाना चाहते हैं भैया, तुम उलोक से उलोक का जॉब छीन लेना चाहते हो मेरे? प्रधानमंत्री बोल रहे हैं घर में रहो घर में रहो, तुम बोलते हो एग्जाम दो एग्जाम दो। किसकी सुने मुझे ये बताओ, पहले अपनी मन की सुने, तुम्हारी सुने या प्रधानमंत्री की सुने, तुम पहले ये कंफर्म कर लो कि क्या करवाना है, उसके बाद हमसे बात करना, तब हम लोग तुम लोग को रेस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन तब तक इतना समझ लो कि फाइनल ईयर एग्जाम देना वाला नहीं है, वो चाहे महाराष्ट्र से हो, वो चाहे कलकत्ता से हो, वो चाहे किसी भी स्टेट से हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं एग्जाम दे रहा भैया, सबका मैं नहीं ठेका ले सकता, ठीक है। मैं करण जौहर नहीं हूं कि मैं सबका ठेका लेके अपने नाम पे चढ़ा दूं बिल, ना ना ना, मैं अपना ठेका लेता हूं, मैं कहता हूं मैं नहीं दूंगा एग्जाम। और जितने वाले जो अपना ठेका लेते हैं ना भैया, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि तुम्हें एग्जाम देना है नहीं देना है, तुम्हारे ऊपर है, मेरा क्या जाता है, मैंने बोल दिया मुझे एग्जाम नहीं देना।